अगली खबर रीवा जिले से है, जहां जन जागरण महाअभियान के तहत रसला द्विवेदी द्वारा सीएम राइज शासकीय हाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबौरा के नशा मुक्ति अभियान और छात्राओं को नारी उत्पीड़न मुक्त कर स्वतंत्रता दिलाएंगे। एकता में ताकत होती है और एकता के साथ किया गया प्रयास ही सार्थक होता है। इसी एकता के बल पर डबौरा की शासकीय हाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्र छात्राओं ने स्कूल से बाजार में रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया। नशा मुक्त बनाने के लिए पूरे गांव में भ्रमण कर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है। जन जागरण महाअभियान गांव को नशा मुक्त करने के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रहा है। डबौरा की छात्रों को अभी उपलब्ध संसाधन व सामर्थ्य के अनुसार आसपास के ग्रामों में सामाजिक बदलाव लाने का काम कर रही है। इसमें नशा मुक्ति उनका मूल मकसद है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर लोगों को जागरूक कर रही है। समाज में सकारात्मक सोच के साथ युवाओं को नशा छुड़वा कर उन्हें बेहतर भविष्य के लिए एक नई राह प्रदान की जा रही है। इस अभियान में छात्र छात्राओं को जोड़ा जा रहा है। महिलाएं भी अधिक से अधिक संख्या में दिन ब दिन जुड़कर गांव को नशा मुक्त बनाने में संकल्पित नजर आ रही हैं। वहीं संयोजिका सुश्री रसना द्विवेदी ने कहा कि आज हमारे प्रदेश में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, केवल नेता लोग महिला सुरक्षित की बात करते हैं, वहीं नशा भी हमारे समाज को खोखला कर रहा है। नशे में युवा पीढ़ी पूरी तरह से ग्रसित है। सरकारें कोई भी हो अपने फायदे के लिए नशे की दुकानें घर घर खुलवा रही है। नशा से नाम खराब होता है, अपने नाम के साथ पूरे घर समाज का नाम बदनाम होता है। वहीं उन्होंने युवा भाइयों से निवेदन किया कि नशा मुक्त रहे और दूसरों को भी प्रेरित करें। वहीं उन्होंने बेटी बचाओ अभियान पर भी प्रकाश डाला, वहीं बेटी बचाओ और नशा मुक्त पर संकल्प दिलाया, वहीं नशा मुक्ति एवं महिला सुरक्षा की जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। प्रतिदिन उठकर माता पिता गुरुजनों का चरण स्पर्श करेंगे, अपना कार्यक्रम समय पथ बनाएंगे, हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे, अपने घर गांव समाज को स्वर्ग बनाएंगे। कोई भी देश कोई भी नेता उसके नहीं संभाल सकते अगर हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है तो। आज हमारे देश में एडवांस बनने की होड़ लगी है, बताएं आप सब, एडवांस लोग बन रहे हैं, अपनी संस्कृति को तिलांजलि दे रहे हैं और दूसरी की संस्कृति को अपना रहे हैं, ऐसी है हमारी समाज, बताएं आप सब, बोले सही है ऐसा? ऐसी संस्कृति कहीं से आई नहीं है, ये हम खुद लाए हैं। किसी ने ऐसी संस्कृति को नहीं कहा कि हम दूसरे की संस्कृति को लेके आए, ऐसा नहीं है। अपनी संस्कृति की तिलांजलि दें और दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं, परिणाम स्वरूप हम कहां के रह गए बताएं? अपना तो छोड़ दिया और उनका भी नहीं पाया। यहां तक आज के कार्यक्रम में थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे क्या था? हम राइज स्कूल में डबौरा में आज मेरा कार्यक्रम था। कार्यक्रम ये था कि हमारी युवा पीढ़ी नशे की लत में बढ़ती जा रही नशे की लत, तो मैं चाहती हूँ कि नशा का जो लत है उससे युवा पीढ़ी दूर रहे, हमारी नारियाँ हैं महिलाएं हैं उनका अधिकार उनको मिले, इसीलिए आज कार्यक्रम किया गया था आपके डबौरा में। अब आपका आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा, कहाँ तक चला रहेगा? मेरा कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में हम चलाएंगे और चाहेंगे कि जितने लोग हमसे जुड़ सकें सब जुड़े और इस अच्छी ये अच्छी शुरुआत जो है हमारे देश का उज्ज्वल भविष्य, तो हमारा देश उज्ज्वल हो जाए। मैं